पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। मेरे साथ 8 साल पहले ये हादसा हुआ था। 8 साल के बाद मैं अपने आप को एक बहुत पॉजिटिव, बहुत हेल्पिंग, बहुत ही एक ऐसी जो मतलब मैं घबराती नहीं हूँ। अब मुझे लगता नहीं है भगवान मेरे साथ, और जब मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ। बहुत मुसीबतें आई, अकेली थी, बहुत मुसीबतें आई। अब सोचती हूँ तो सिहर जाता है, मतलब मैं लगता है कैसे काटा, पता नहीं, ऐसा लगा जैसे कोई मुझे ऊपर से कोई हेल्प मिल रही है, और मतलब कोई बोल रहा है कि नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, बस हिम्मत नहीं हारो, हम हैं। नमस्कार, मैं रचना शंकर हूँ द्वारका से। मैं प्रोफेशन से फिजिक्स की टीचर हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल में। और एक समय आया था कि मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल आई थी, और मैं पता नहीं क्या इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं सुबह रोज 4 बजे उठ के रोती थी। एक दिन मैं मॉर्निंग वॉक पे गई, अपने घर के बगल में एक पार्क था, वहाँ पे दिव्यांजनी मैम ने वहाँ पे कैंप लगाया हुआ था ध्यान का, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप, मैं जाके बैठ गई वहाँ पे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप आंखें बंद करके ध्यान करिए। पता नहीं, मैंने आंखें बंद की और मेरा रोना स्टार्ट हुआ। उन्होंने मेरे उस पर हाथ रखा और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, और कम से कम 15-20 मिनट तक मैं बस रोती रही। उसके बाद उन्होंने मेरा नंबर लिया, उन्होंने बोला आप जब भी होगा आपको, मैं उनके घर में जब भी होता था मेडिटेशन का, वो मुझे बुलाती थी, मैं जाती थी। उसके बाद पत्री जी आए, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई वहाँ पे, बहुत पॉजिटिव वाइब, लोगों के एक्सपीरियंस सुने, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद धीरे धीरे मैंने भी, जब भी मुझे समय मिलता था मैं अपनी आंखें बंद करती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई बहुत लंबे से रास्ते में चलती जा रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं, मेरे साथ जो हुआ है इतना बड़ा हादसा जो हुआ, तो मुझे लग रहा था कि क्या उसका वजह क्या है, कौन बताएगा मुझे ये। तो मैं उसमें बस ध्यान करती थी कि मुझे बस भगवान बता दे कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा। उसके बाद ध्यान में लगी रही, और उसके इतना मैंने अपने जीवन में चेंज देखा, इतना जीवन देखा, इतनी पॉजिटिविटी आई मेरे जीवन में। मैंने लोगों से एक्सपेक्ट करना, सबसे पहली बड़ी चीज़ एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया। मुझे लगा नहीं, जो भी इंसान है उसका हर का अपना नज़रिया होता, अपना पर्सपेक्टिव होता है। मैंने लोगों को समझना शुरू किया, और मैंने, मुझे ये लगने लगा कि नहीं, ये जो ट्रायल्स हैं, जो मेरे को हार्डशिप्स हैं, मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भगवान का दिया हुआ एक अवसर है, मुझे उसको, उस अवसर का लाभ उठाना है। और सचमुच अब इस स्टेज में 8 साल के बाद, मेरे साथ 8 साल पहले ये हादसा हुआ था, 8 साल के बाद मैं अपने आप को एक बहुत पॉजिटिव, बहुत हेल्पिंग, बहुत ही एक ऐसी जो मतलब मैं घबराती नहीं हूँ। अब मुझे लगता नहीं है भगवान मेरे साथ, और जब मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ। बहुत मुसीबतें आई, अकेली थी, बहुत मुसीबतें आई। अब सोचती हूँ तो सिहर जाता है, मतलब मैं, लगता है कैसे काटा, पता नहीं, ऐसा लगा जैसे कोई मुझे ऊपर से कोई हेल्प मिल रही है, और मतलब कोई बोल रहा है कि नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, बस हिम्मत नहीं हारो, हम हैं। इतना ज़्यादा मतलब मैं, ये जो चेंज है उससे ये हुआ कि अब मैं जिस भी, एक किसी भी रूम में जाती हूँ, चाहे वो हमारा इवेल्युएशन करने जाती हूँ स्कूल में, एक पॉजिटिविटी चारों तरफ फैल जाती है। मैं अपने आप से खुश हूँ, अपनी कंडीशन से खुश हूँ, जो हो रहा है मुझे लगता है कि नहीं, ये जो चीज़ है जो हमें भगवान ने जो देना होगा वो कभी भी कोई रोक नहीं सकता। किसी की इल फीलिंग्स, किसी का बैड चाहना हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भी मतलब इतना ज़्यादा मेरे पे असर हुआ है कि क्लास में भी, जब हम लोग, मैं बच्चों को, 12th क्लास के बच्चे हैं फिजिक्स में, तो मैं हमेशा बोलती हूँ उनसे, बेटा आंखें बंद करो, थोड़ी देर आंखें बंद करो, उसके बाद देखना तुम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं, मैं बोलती बेटा थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करो, जस्ट ध्यान करो, देखना तुम लोग को सब कुछ याद हो जाएगा। मतलब वो मेरे एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बन गया है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ गॉसिप करके, वहाँ जाके बुरे लोग नहीं, मतलब नेगेटिव, जो थोड़े से कड़वा बोलते हैं, या जो दूसरों को बहुत जजमेंटल होते हैं, उनसे वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं कनेक्ट हूँ, अपने से कनेक्ट हूँ। और पता नहीं क्यों,
मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई, मैं अकेली रहती हूँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई प्रेजेंस है, कोई एक देवी शक्ति है जो मेरे साथ है, जो मुझे कुछ गलत नहीं करने देगी, मेरा कभी गलत नहीं होने देगी। पता नहीं, मेरे को लगता है कि सबको सिर्फ, अगर किसी को सच्ची में इस जीवन में सुखी रहना है, खुश रहना है, उन्हें मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मैं अपने, क्योंकि मैं पूजा पाठ पहले भी करती थी, अब भी करती हूँ, आज एकादशी का मेरा फास्ट है, पर मुझे लगता है कि मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, अगर आपको कंटेंटेड बनना है, आपकी ऑरा में आपको एक पॉजिटिव वाइब्स दिखे ऐसा बनना है, आप दूसरों को समझ सके, क्योंकि इस जीवन में हम लोग ये चाहते हैं कि दूसरों हमें समझे, हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी सिचुएशंस को। अगर हम इन सब चीज़ों में जीवन में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, बहुत अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, अच्छे गुड ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं, तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन, मतलब मुझे बहुत दुख है कि मुझे इतने सालों बाद पता चला इसके बारे में। मेरे को लगता है कि शायद हमें अपने बच्चों में शुरू से मेडिटेशन का ये जो चीज़ है वो ज़रूर, बल्कि मैं तो कहूँगी एज अ टीचर कि हमें करिकुलम में मेडिटेशन ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए, ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। बदले जी।